सो हेलो गाइस, बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो है इंडिगो केबिन क्रू एक्सपीरियंस के ऊपर, जो मैंने दिया था कोलकाता में। हाँ जी, कोलकाता में मैंने दिया था O2 होटल में। तो वैसे तो पहले मैंने एयर इंडिया का इंटरव्यू दिया था, तो एयर इंडिया का इंटरव्यू में ना मेरी कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो थी, बट वहाँ की HR ने ना मेरी कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर तक लेके चले गए। मतलब कि जो लड़की को मेकअप करने नहीं आता, मैं पहली बार कोई इंटरव्यू दी थी, मुझे मेकअप करने नहीं आता था उस वक्त, और मेरे चिक्स में भी पोर्स थे पर शायद इतने विजिबल नहीं थे। तो उन्होंने मुझे इतने आगे तक लेकर चल दिया, लाइक PI राउंड तक लेकर गए, वो भी क्लियर हुआ। उन्होंने कहा मेल आएगा एंड वहाँ तक गया, तो मैं फिर कि चलो इंडिगो का भी दूंगी, मतलब जब वो लेकर जा सकते तो ये क्यों। तो मैं वहाँ गई, ऑल दो कि एयर इंडिया की केबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मेरी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बट इंडिगो की नहीं थी। लाइक हम जब एंटर किए, हमारा स्लॉट था 9 AM में हमने रजिस्टर किया था। बहुत लड़कियां थी जो रजिस्टर नहीं की थी, तो हमने रजिस्टर किया था। हमें इनविटेशन मेल आया था, तो इनविटेशन मेल मैं यहाँ दिखा दूँगी आपको। और उस इनविटेशन मेल में लिखा हुआ था कि ये इनविटेशन मेल की प्रिंट आउट लेकर आना है, तो हमें अंदर जाने मिलेगा। बट वहाँ ना बहुत लड़कियाँ थी जो कि रजिस्टर ही नहीं की थी, बट वो आ गई थी जस्ट लाइक अ वॉक इन इंटरव्यू। तो ये बात तो मुझे पहले ख़राब लगी, ठीक है, पर्सनली ख़राब लगी, इमोशनल डैमेज। तो टाइमिंग थी 9 की, मैं पहुँच गई थी 8:15, अंदर जा चुकी थी मैं 8:20 तक। तो 8:20 तक मैं अंदर गई और 5-10 मिनट्स मैं वेट की, और वेट करते ही मैम आ गई जस्ट लाइक 8:30 तक एक मैम आई। वो बोली कि द मेन HR विल नॉट बी एबल टू कम टुडे, सो आई एम द HR फॉर टुडे। तो शायद वो HR थी नहीं, बट वो आज के लिए आई थी, उस दिन के लिए आई थी। तो वो आई थी, उन्होंने 10 गर्ल्स लिए, रिज्यूमे लिया उनका, और उनके ऊपर ना सीरियल नंबर उन्होंने लिखा, 1, 2, 3, 4 समथिंग सीरियल नंबर उन्होंने लिख दिया। और फिर वो रिज्यूमे लेके वो अंदर चली गई, वो बैठ गई, फिर वो 10 गर्ल्स को उन्होंने ऐसे बैठाया। वो सामने एक बैठी हुई थी, उनके सामने ऐसे राउंड शेप में बैठी हुई थी सारी गर्ल्स। तो एयर इंडिया में तो वैसी थी नहीं, वो तो बाहर थी, GD राउंड था, पर इसमें मैम सामने थी और मैं बैठी थी लास्ट में। एक और लड़की बैठी थी एक्चुअली ना HR के सामने जो लड़की बैठी थी वो बहुत लकी थी। मतलब HR बस और बस अपने सामने वाली को देख रही थी, क्वेश्चन करी सामने वाली को देख रही है, क्रॉस क्वेश्चन सामने वाली से, मतलब उससे भी की क्रॉस क्वेश्चंस, बट मुझे मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। इनफैक्ट वो साइड देख ही नहीं रही थी, वो बस सामने ही देख रही थी। तो इमोशनल डैमेज टू, मुझे फिर से दर्द हुआ। तो बस यही था, यही नहीं था, मतलब उनका क्वेश्चन था व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिगो एयरलाइंस, व्हाई इंडिगो एयरलाइंस, सो टेल मी समथिंग अबाउट इंडिगो एयरलाइंस। एक क्वेश्चन 3 तरह से उन्होंने पूछा, तो सबने बारी बारी कर आंसर दिया। एक लड़की आई थी जो रट्टा मारी हुई थी, मैं उनके सामने बैठी हुई थी, बहुत फ्लुएंसी से उन्होंने उतनी फ्लुएंट नहीं थी, मतलब वो रुक रही थी तो पता चला था कि उन्होंने रट्टा मारा भाई। तो बट वो सिलेक्ट हो गई, बस वही सिलेक्ट हुई। दूसरे राउंड में भी शायद जितना मैंने सुना कि वो जो HR के सामने लड़की बैठी थी वो सिलेक्ट हो गई। मतलब हम जो साइड वाले थे भाई, साइड बन के रह गए। तो वहाँ तो हमारा जर्नी ख़त्म होगा, हमारा जर्नी ख़त्म हो गया। बट उसके बाद हुआ BMI राउंड, जिसमें हाइट, वेट, स्कार, स्टैटूज सब चेक हुए। देन GD 10 गर्ल्स कर GD बैठाया गया, पर्सनल इंटरव्यू, और वी कैन से दैट पर्सनल भी होता है, वर्चुअल भी होता है। उस दिन क्या हुआ मुझे उतना नहीं पता, बट मेरी केबिन क्रू एक्सपीरियंस इस बार की बहुत बेकार थी। तो जो मेन बात आती है कि क्या वो एयरलाइंस वाले टिप्स चेक किए थे, तो इंडिगो एयरलाइंस में वो चेक करते हैं, एयर इंडिया में उन्होंने नहीं चेक किया था। उन्होंने टैटू स्कार्स ही चेक किया था, बस टैटू स्कार्स, बर्थमार्क, मेरे बर्थमार्क थे, उन्होंने फॉर्म में लिख दिया था बर्थमार्क, बस इतना था। और वही था पेंसिल स्कर्ट शर्ट बन और अ पोनीटेल,
ये था। और रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो आप इंडिगो के पेज में जाओगे तो वहाँ डेट्स निकली हुई रहती है, तो उस डेट्स में आप जाकर फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कुछ दिन बाद आपको इनविटेशन मेल आती है, इनविटेशन मेल आई तो गुड, जाओ। इनविटेशन मेल नहीं आई है और अगर आप सोच रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, गलती मत करना, चले जाओ। मैंने बहुत को देखा, जो लड़की सिलेक्ट हुई थी ना, उसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। मैम ने उसे कहा कि आप बाद में रजिस्ट्रेशन कर लो, तो उसने कर लिया था बाहर जाकर। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने किया, आपको इनविटेशन नहीं आया, तो आप वेट मत करो, आप जा सकते हो, यू आर गुड टू गो। तो थैंक यू, ये था मेरा एक्सपीरियंस। आगे दूंगी, आगे और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। थैंक यू। अगर आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो पूछो, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगी, आप ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।